झंडा लगा रहेगा, ऐसे बहुत कानून ठीक है, यहाँ चलेगा ठीक है। आपने पूरे झंडे हमें कानून मत सिखाइए, ऐसे कानून हमने बहुत देखे हैं। करना है तो हम पर FIR कर दीजिए, लेकिन हमारे झंडे मत निकलवाइए। ये है भिलाई विधायक और बिलासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव। दरअसल हुआ यूं कि कांग्रेस के फायर ब्रांड नेताओं में से एक देवेंद्र यादव ने सरकारी संपत्ति पर कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर पोस्टर लगा दिया, जिस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में उसे हटाना शुरू कर दिया। इतने में नेताजी वहां पहुंचे और अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा पुलिस के साथ जमकर बहस करने लगे, साथ ही खुद पर FIR दर्ज कर लेने की सलाह तक दे डाली। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं उनका यह बयान। निवेदन कर रहा हूँ, हमारे झंडे मत निकलवाइए हाथ से आज, और इसके बाद भी आप करेंगे तो मैं उसका विरोध करूंगा, और आप FIR कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ ठीक है, मेरे ऊपर करिए, मैं तैयार हूँ। इधर नेताजी की इस बात को पुलिस ने गंभीरता से लिया और अब इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों के साथ नेताजी की बहस का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बता दें सोमवार को बिलासपुर में राहुल गांधी की सभा थी। उनकी इस सभा को सफल बनाने के लिए देवेंद्र यादव ने चारों तरफ बैनर पोस्टर और झंडा लगवा डाला, लेकिन चूक ये हुई कि कुछ बैनर पोस्टर और झंडे सरकारी संपत्तियों पर भी लग गए, जिसे जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी और देखते ही देखते काफी सारे बैनर पोस्टर और झंडे हटा दिए गए। इस बीच यादव पहुंच गए और उन्होंने पुलिस वालों के साथ अधिकारी कर्मचारियों के साथ बहस शुरू कर दी। इस पूरे मामले को लेकर यादव ने क्या कुछ कहा सुनिए। इंसान उनको दे देंगे इस बार लोकसभा चुनाव। ये आपने हाथ जोड़ के कहा कि भाई मैंने बैनर पोस्टर मत हटाओ और फिर FIR हो गया, सलाह दी थी आपने खुद ही कि चाहो जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा अभी आदरणीय अध्यक्ष जी से बात हो रही थी मेरी और महापौर जी से भी, थोड़ा प्रचार प्रसार की व्यस्तता है, लेकिन इस बीच में समय निकाल के हम लोग जाएंगे पुलिस अधीक्षक से मिलने और पूछेंगे भैया आपने लिखा है, हमने FIR की कॉपी मंगवाई है, एक बार पढ़ना है उसको, उसमें लिखा है कांग्रेस के 10 कुछ कार्यकर्ता, तो हम पूछेंगे कौन किसको देखा आपने करते हुए, किसको बाद में डराओगे धमकाओगे, चुनाव के एक दिन पहले उठाओगे, तो इससे अच्छा सीधी सीधी बात करो, हम कोई डरते डरते नहीं है इन लोगों के ये सब चीजों से। किसी के दबाव में कार्रवाई हो रही है क्योंकि अभी तो सरकार है उनकी। देखो अब क्या है, प्रशासन को भी देख के मुझे दुख होता है, प्रशासनिक कार्रवाई जिस तरीके से अधिकारियों को रखनी चाहिए वैसी नहीं रख पा रहे हैं, डरे हुए हैं ठीक है, और सब अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के हिसाब से जीवन जीते हैं, तो शोभा नहीं देता आचार संहिता में उनको, लेकिन हम तो जाएंगे बात करेंगे और उनको लगता है हमको गिरफ्तार करना है तो करे, जितने है तो करके दिखाए, हम तैयार हैं। तो जैसा कि आपने सुना देवेंद्र ने किस तरह से बागी तेवर दिखाते हुए पुलिस प्रशासन पर जमकर निशाना साधा, यहाँ तक कि देवेंद्र ने इस बात का भी दावा किया है कि चुनाव से एक दिन पहले उन्हें उठा लिया जाएगा। गौरतलब है कि तीसरे चरण के लिए 7 मई को बिलासपुर में भी वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार बिलासपुर की जनता ने किसे जीत का स्वाद चखाया है। बिलासपुर से मनीष शरण की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।